लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का डिस्पेंसिंग फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स 2 का जो सब्जेक्ट है उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 58 देखने वाले हैं। द टाइटल ऑफ टूडेज एक्सपेरिमेंट इज टू प्रिपेयर एंड सबमिट पैराफिन ऑइंटमेंट IP। द प्रायर कंसेप्ट टूवर्ड्स दिस एक्सपेरिमेंट आर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड डेफिनेशन ऑफ ऑइंटमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो न्यू कॉन्सेप्ट से हम डील करने वाले हैं वो है फॉर्मुलेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, मतलब फॉर्मुलेशन एंड मेथड प्रिपरेशन ऑफ पैराफिन ऑइंटमेंट। सो वी हैव टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल स्किल एंड सेकेंड इज मोटर स्किल। इंटेलेक्चुअल स्किल्स इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ ऑइंटमेंट, बेसिस एंड एडिटिव यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। एंड द मोटर स्किल इज द एबिलिटी टू प्रिपेयर एंड लेबल द ऑइंटमेंट करेक्टली। अब देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमें किसके सेपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमें चाहिए होगा बीकर, ग्लास रॉड एंड इवेपोरेटिंग डिश। प्रिस्क्रिप्शन के अंडर जो इन्ग्रीडियंट है, द लिस्ट ऑफ दैट इन्ग्रीडियंट कंटेन्स वाइट पीस वैक्स 20 ग्राम, हार्ड पैराफिन 30 ग्राम, सिटोस्टेरिल अल्कोहल 50 ग्राम एंड वाइट्स ऑफ पैराफिन 900 ग्राम। तो ये जो टोटल फॉर्मूला है ये दिया है 1000 ग्राम के लिए। हम क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं मेट्रिक सिस्टम में, ये तो आपको मैं पहले ही सब वीडियो में बता चुकी हूँ कि फैक्टर कैलकुलेट करते हैं और फैक्टर की जो वैल्यू आती है उसे हम क्वांटिटी गिवन से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इन दिस टेबल हम सिर्फ टाइप और इंग्रेडिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटी टेकन और गिवन ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, तो आप मेरे रिलेटेड वीडियोज़ दे सकते हैं उसके लिए। द टाइप ऑफ वाइट पीस वैक्सीज स्टफनिंग एजेंट, हार्ड पैराफिन इट एक्ट एज बेस, एंड सिटोस्टेरिल अल्कोहल जो होता है प्रिपरेशन को थिक बनाने के लिए एज अ थिकनिंग एजेंट उसे यूज़ किया जाता है, और वाइट्स ऑफ पैराफिन की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इमोलियंट प्रॉपर्टी। इसमें जो डायरेक्शन है तो ये एज अप्लाइड एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, फैक्टर इज कैलकुलेटेड एज 10/1000 इज इक्वल टू 0.01, द वैल्यू ऑफ फैक्टर इज 0.01। द स्टेप वाइज प्रोसीजर, सबसे पहले क्या करना है, जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए उसे वे कर लेना है करेक्टली, और उसके बाद वाटर बाथ सेट करके उसमें इवेपोरेटिंग डिश प्लेस करनी है और उसमें सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करके डालने हैं, और फिर क्या करेंगे उसे मेल्ट होने तक अच्छे से स्टर करेंगे। स्टर करने के बाद उसे हीट सोर्स से निकाल लेंगे और उसे कूल होने तक स्टर करते रहेंगे। स्टर करने के बाद वो अगर एक बार कूल हो जाएगा तो वाइड माउथ बॉटल में उसे ट्रांसफ़र करेंगे। वो जो वाइड माउथ बॉटल हम यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखें कि उसे हमने प्रीवियसली ड्राई कर लिया है और उसके बाद हम अपना कंटेंट उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब जो वाइड माउथ में हमने अपना लेबल बना लिया है तो लेबल अटैच करेंगे और उसे सबमिट करेंगे। सो लेट्स बिगिन द एनिमेटेड प्रैक्टिकल ऑफ पैराफिन ऑइंटमेंट। यहाँ पे हमने सबसे पहले बर्नर सेट कर लिया है, और बर्नर सेट करने के बाद उस पर हम रखेंगे ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड के बाद हम उस पर वाटर बाथ रखेंगे, जस्ट में हम इवेपोरेटिंग डिश प्लेस करने वाले हैं। यहाँ पे हमने इवेपोरेटिंग डिश यहाँ पे प्लेस कर दी है वाटर बाथ में, और हम अभी इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करने वाले हैं सब। तो वाइट पीस वैक्स हमें चाहिए, वाइट सॉफ्ट पैराफिन चाहिए, सिटोस्टेरिल अल्कोहल चाहिए और हार्ड पैराफिन चाहिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हमें अब इवेपोरेटिंग डिश में ऐड करने हैं, लेकिन ये इंग्रेडिएंट ऐड करते वक्त हमें एक प्रिकॉशन लेना है कि ये इंग्रेडिएंट हम जब ऐड करें तो उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होती है मेल्टिंग पॉइंट की उस हिसाब से ऐड करें। फिर सारे इंग्रेडिएंट हम ऐड करके यहाँ पे एडमिक्स करके उसे मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। इंग्रेडिएंट को मेल्ट करने के बाद हम उसे हीट सोर्स से रिमूव करेंगे और साइड में रखेंगे, और फिर उसे कूल करते रहेंगे चलाते हुए स्टरर से, उसे हम कूल करेंगे। कूल करने के बाद ये जो मिक्सचर होता है ये हम हमारे कंटेनर में फिल करेंगे, उसे लेबल करेंगे और सबमिट करेंगे। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ लेबल विच वी हैव प्रिपेयर्ड इन मैनुअल। तो टाइटल लाइन में प्रिपरेशन का टाइटल दैट इज़ पैराफिन ऑइंटमेंट IP, और उसके सामने 10 ग्राम क्वांटिटी मेंशन की हुई है। हमने यह प्रिपरेशन बनाया है मिस इन मंजू के लिए, डिस्पेंस किया है प्राइड फार्मा ने। रजिस्ट्रेशन नंबर है 58 और डेट मेंशन किया है 16 मई 2021। अब इसका जो स्टोरेज कंडीशन है दैट वी हैव टू कीप इन अ कूल प्लेस, एंड डायरेक्शन है फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ओनली एंड अप्लायर डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। मैन्युफैक्चरर का नेम प्राइड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड इंडिया। अब इस पैराफिन ऑइंटमेंट का जो यूज़ है वो एज ए इमोलियंट हम यूज़ करते हैं। रिजल्ट में आप लिखेंगे 10 ग्राम्स ऑफ पैराफिन ऑइंटमेंट इज सबमिटेड इन वाइड माउथ बॉटल फॉर इंस्पेक्शन विद स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑन लेबल एज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन
ओनली। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंडर जो क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ऑइंटमेंट्स। ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस मतलब जो ऑइंटमेंट्स में आपने एडिटिव्स या फिर सॉल्वेंट्स यूज किए हैं वो। मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट प्रिपेयर करते वक्त कौन कौन से बेसिस यूज करते हैं, जैसे कि एब्सॉर्प्शन बेसिस, ओलियोजिनस बेसिस, वाटर मिसिबल बेसिस एट्सेट्रा। बाय विच प्रॉपर्टी ऑफ द इंग्रेडिएंट सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी ऑफ प्रिपरेशन इज इंक्रीज। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है इंग्रेडिएंट की जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन की कंसिस्टेंसी इंक्रीज यूज करने के लिए यूज की जाती है। फोर्थ क्वेश्चन इज वाई सिटोस्टेरिक अल्कोहल इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मूला। सिटोस्टेरिक अल्कोहल हम फॉर्मूला में क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सिटोस्टेरिक अल्कोहल इज एक्ट एज थिकनिंग एजेंट। तो प्रिपरेशन की थिकनिंग या फिर विस्कोसिटी इंक्रीज करने के लिए हम सिटोस्टेरिक अल्कोहल यूज करते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट विल हैव मोर पेनिट्रेशन, एपिडर्मिक, डायडर्मिक, एंडोडर्मिक, दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स। और इन ऑइंटमेंट से कौन से ऑइंटमेंट की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। तो ये सारी क्वेश्चंस जो है आपके टीचर जो क्वेश्चन आपको अलॉट करेंगे, चार क्वेश्चन, तो आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। ये जो रेड एरो आप देख रहे हैं ना, उसके सामने आपको प्राइड फार्मा का लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस लोगो पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रही है वो है मेरे रिलेटेड वीडियो की लिस्ट, वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए राइट फार्मा।